पॉप शुगर लीडर्स क्लब नागपुर के सहयोग से युवा उद्यमियों द्वारा एक उभरता हुआ स्टार्टअप स्विंग इन स्प्रिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। पॉप शुगर लीडर्स क्लब नागपुर के सहयोग से युवा उद्यमियों द्वारा एक उभरता हुआ स्टार्टअप का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी पत्र परिषद के दौरान दी गई। यह एक विशेष उत्सव है जिसका उद्देश्य नवोदित वर्चुअल स्टार्टअप उद्यमियों, क्लाउड किचन घरेलू व्यवसाय को COVID-19 के दौरान अपने ब्रांड को प्रचारित करने और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने बेचने के लिए एक मंच प्रदान कर मदद करना है। हमारा उद्देश्य वंचित बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान कर उनके लिए धन जुटाना भी है, ऐसा इस पत्रकार परिषद के दौरान आयोजकों द्वारा कहा गया। इसका एक बड़ा प्रभाव युवाओं को भारतीय नौसेना में भर्ती होने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। भारतीय नौसेना मुख्यालय मुंबई के गणमान्य भारतीय नौसेना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, ताकि युवा दर्शकों को अवसरों के सागर में आगे बढ़ने और गोता लगाने के लिए मार्गदर्शन किया जा सके और उन्हें भारतीय नौसेना की महिमा पर एक यथार्थवादी अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सके। नमस्कार, मैं वैष्णवी शिंदे पॉप शुगर एसोसिएशन और लीडर्स क्लब की तरफ से सबके लिए एक हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया है 2 और 3 अप्रैल को सेंट अर्सुला ग्राउंड सिविल लाइंस पे नागपुर में। ये प्रोग्राम में हम सारे नागपुर के एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जिससे वो अपनी कला का, अपने प्रोडक्ट्स का एक सेल और पब्लिसिटी कर सके। उसके अलावा इस प्रोग्राम के थ्रू जो भी हमारा फंड रेजिंग होता है वो हम लीडर्स क्लब नाम के एनजीओ को देते हैं, जो अंडर प्रिविलेज किड्स को स्कूल किड्स और प्रोविजनल एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्ट करता है। तीसरी चीज़ हमारे इवेंट में है कि हमारे पास इंडियन नेवी का रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसके लिए इंडियन नेवी के कुछ ऑफिसर्स नेवल डॉकयार्ड मुंबई से नागपुर आने वाले हैं टू हेल्प द स्टूडेंट्स जॉइन नेवल फोर्सेस। तो मेरी सबसे यही आशा रहेगी आप सब लोग यहाँ पे हमारे फेस्टिवल में आए, हमारे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए और अपने तरफ से मदद करें, और धन्यवाद। साथ ही आयोजकों द्वारा बताया गया कि अक्टूबर 2021 में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां 2 दिनों में 5,000 से 6,000 लोगों की भीड़ थी। इस आयोजन द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग जरूरतमंद लोगों को स्कूल किट, स्वच्छता किट, राशन किट आदि प्रदान करने के लिए किया गया था। इस बार हम इसे बड़े पैमाने पर करने का लक्ष्य रखते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।